हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे गजब के आइडियाज़ जिनको अपनाकर आपके बहुत सारे पैसे तो बचेंगे ही, साथ में पुरानी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से रीयूज़ भी हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। पसंद आती है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए फर्स्ट टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप है दोस्तों, दवाई के सिरप को लेकर। बच्चों के सर्दी खांसी जुकाम होते ही रहते हैं, सर्दी का सीज़न है। तो क्या होता है ना कि हम इस तरीके से जो सिरप लेकर आते हैं, और क्या होता है कि ये जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है ना, ये खराब हो जाती है, यानी हट जाती है, क्योंकि जो सिरप होते हैं ना वो गंदे हो जाते हैं। और इनको हम वॉश कर लेते हैं बच्चों को दवाई देने के बाद में, जो ये शीशी होती है ना गंदी हो जाती है, और ये हम इसको धुल लेते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी डेट है ना वो पता नहीं लगती है और खराब हो जाती है। तो जब भी आप नए सिरप की शीशी लेकर आओ ना, तो बस आप ये वाला काम जरूर कीजिए। ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है ना, उसका आप यूज जरूर कीजिए। इस तरीके से जो डेट है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि आप इसको वॉश भी कर लोगे तो ये जो डेट है आपको विजिबल होगी, और आपको पता लगेगा कि इसकी जो डेट है वो निकली तो नहीं है, तो हम आराम से इसका यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से सारी बॉटल जितनी भी लेकर आते हैं बच्चों के, बड़ों के लिए जितनी भी सिरप की शीशी होती है, उन पर आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब जो डेट का पता नहीं चलता है ना, तो फिर हम नया सिरप लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे अगर आपका ये रखा भी रहे रहेगा ना, रखे रखे भी इसकी जो डेट है वो दिखाई देना बंद हो जाती है, तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज जरूर कीजिए। बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप्स है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप नहीं है बल्कि आइडियाज है, जो कि पुराने ऊनी कपड़ों को लेकर है। चाहे वो टोपा हो, बच्चों के कैप हो, या इस तरीके से खराब जैसे कि स्वेटर हो जाते हैं, या फिर टोपे हो जाते हैं, कैप हो जाती है ना, इनका हम यूज कैसे करें? तो यहां पर देखिए, मैं बहुत अच्छे आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पुराने स्वेटर के भी। जैसे कि हम किसी को दे नहीं पाते हैं, डोनेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये ज़्यादा इसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो फिर इसमें क्या होता है ना कि हम इसका घर में ही यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, अगर आपके पास भी इस तरीके से टोपी पड़ी हो ना, बच्चों की या खुद की हो, आप उसको पहनते नहीं हो, तो आप इस तरीके से यूज़ कीजिए। अब देखिए, कोई कंटेनर होता है इस तरीके के, हम यूज़ में लेते हैं, जो फूड पैक होकर आता है बाहर से, तो उनका हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इनको है ना ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से इसको कैप पहना दीजिए, और अब ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत छोटे छोटे से बच्चों के कैप होती है ना, वो बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाती है। ये थोड़े बड़े साइज का लूज हो गया है, तो इसको मैं वेयर नहीं करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा लूज है, तो आप इसको टाइट करके भी यूज कर सकते हो। तो जितने भी आपके है ना स्पैचुला, स्पून, फोग वगैरह हो ना, आप इस किचन में इस तरीके से अरेंज करके रखिए। आपके पैसे तो बचेंगे ही, क्योंकि आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और पुराना जो आपका कैप है ना उसका भी यूज हो जाएगा, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर सुंदर सी टोपी हो तो आप उसको पहनाकर देखिए, बहुत ही सुंदर सी जो किचन की शोभा बढ़ जाएगी। या फिर बच्चों के पेन पेंसिल और कलर वगैरह रखने के लिए भी आप इसको इस तरीके से यूज में ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक जरूर पसंद आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया है ना, वो है पुराने स्वेटर को लेकर। बच्चे हो चाहे बड़े हो, हमारे पास इस तरीके के पुराने स्वेटर रखे रहते हैं। अब इसकी कंडीशन अच्छी होती ना, तो मैं इसको डोनेट कर देती, किसी के पहनने के काम आ जाता, लेकिन फटे पुराने चीजों को देने से अच्छा है ना इसको अब घर में ही यूज कर ले, ताकि जो इसका यूज भी हो जाएगा और हमारा काम भी बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्वेटर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया है। ये मेरे बेटे का स्वेटर है, जो कि वो अब लंबाई में बढ़ गया है, तो ये स्वेटर है जो छोटा हो गया है, साथ में है ना ये फट भी गया है। तो इसका चलिए बढ़िया सा यूज देख लेते हैं, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, और आपका जो घर है ना बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी सब लोग तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके से है ना कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है। मैं मीशो से शॉपिंग करती रहती हूँ, तो इसमें मेरे जो है ना प्लास्टिक कंटेनर आए थे, किचन के लिए मंगवाया था सेट मैंने पूरा, तो ये जो बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है ना, तो इनको मैं बिल्कुल भी कबाड़ समझकर नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये घर में बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाते हैं, इनमें बहुत सारा सामान अरेंज हो जाता है, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इनको चाहे तो कलर पेपर से डेकोर कर लीजिए, या फिर जो सस्ता सा जुगाड़ है ना, जो कि बिल्कुल यूज़
यूज़लेस है, जिसका आप यूज़ नहीं करते हो, ऐसे स्वेटर का यूज़ करके आप है ना इसको बहुत सुंदर सा डेकोर कर सकते हो। तो अब आप देखते जाइएगा कितनी अच्छी तरीके से मैं इसको कवर कर दूंगी। सिंपल सा देखिए, अगर आपको इसकी स्लीव्स निकालनी है तो आप उसको निकाल दीजिए, तो तब अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको इसको मतलब यूज़ में लेना है किसी भी तरीके से, तो आप ऐसे ही इसको एडजस्ट कर दीजिए। अब क्या होता है ना कि चाहो तो आप इसको चिपका भी सकते हो, सिलाई वगैरह भी करके इसको मतलब अटैच कर सकते हो, सिलाई तो नहीं हो पाएगी, इसको ऐसे ही आप अगर इसको अच्छी तरीके से ग्लू गन से चिपकाना चाहो तो नीचे के पोर्शन को चिपका लीजिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि चिपकाने से ये होगा कि ये जब गंदा हो जाएगा ना तो इसको हम धुल नहीं पाएंगे, तो बस आप ऐसे ही फिक्स कर लीजिए ताकि जब भी ये गंदा हो जाए तो आप इसको निकाल कर आराम से धो पाओ और फिर दोबारा से इसी तरीके से कवर कर पाओ। तो देखिए ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी जो है बास्केट बन जाएगी, जिससे कि आप बहुत ही तरीके अलग अलग तरीके से इसको यूज़ में ले पाओगे। तो स्वेटर की जो प्रिंट है बहुत ही सुंदर है, तो ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है ना, देखिए कितनी सुंदर सी जो बास्केट मेरी बन गई है बस एक पुराने फटे हुए स्वेटर से। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो इसको वार्डरोब में अरेंज कर दीजिए, बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना इस तरीके से भी आप इनको रख सकते हो ताकि बच्चे आराम से कपड़े निकाल सकें, एक के ऊपर एक ऐसे भी रख सकते हो। अगर आपको ऐसा रखना सही नहीं लग रहा है कि मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं आ पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे कि है ना जिस भी टी शर्ट को बच्चे को ज़रूरत होगी ना वो आराम से निकाल पाएगा और आपका जो वार्डरोब है बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। तो बस इस तरीके से आप देखिए फोल्ड करते जाइए और यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करते जाइए, तो देखिए बहुत सुंदर लगेगा। जब आप अपनी वार्डरोब को इस तरीके से अरेंज करोगे ना, तो आपको बार बार उसकी जो डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो सामान है वो इधर उधर नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से आपकी वार्डरोब नीट एंड क्लीन रहेगी और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरीके से आप कपड़े लगाओगे तो बिल्कुल भी कपड़े खराब नहीं होंगे, जिसकी ज़रूरत होगी वही आप आराम से निकाल पाओगे। तो ये हमारी ज़ीरो कॉस्ट है ना बास्केट बन गई है। आप चाहो तो आप इसको है ना अपने जो ग्रॉसरी का सामान आता है पैकेट बच जाते हैं उनके लिए भी यूज़ कर लीजिए, जैसे कि कैबिनेट में पैकेट डाल के रख दीजिए, जब भी आपको ज़रूरत लगे तो बस ये बास्केट उठाइए और इसको सामान को निकाल दीजिए। तो बहुत ही मल्टी तरह से यूज़ हो जाती है। हम बाहर से जो लेकर आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन घर के ही जुगाड़ से हम फटे पुराने स्वेटर से और साथ में कार्डबोर्ड बॉक्स से बहुत ही बढ़िया सी जो है बास्केट बना सकते हैं, जिससे कि हमारे पैसे बहुत सारे बच सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी पसंद आ रहा है ना, तो अगर आपके पास पुराना स्वेटर है तो आप भी फटाफट से ये आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी वार्डरोब को बहुत ही अच्छा सा लुक दे दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों लास्ट टिप, लास्ट जो आइडिया है वो भी पुराने स्वेटर को लेकर है। देखिए बच्चों की जो ये मोटी मोटी वॉर्म टी शर्ट होती है या फिर ऐसे छोटे स्वेटर होते हैं ना, अब ये क्या होता है ना कि इनमें कुछ ना कुछ तो इसमें नुस्ख हो ही जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पहनते नहीं हैं, फट जाते हैं या कलर फेड हो जाता है या छोटे हो जाते हैं। तो क्यों ना इनका भी बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत भयंकर वाली हो रही है, तो सर्दियों में इनका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ हो जाएगा। तो ये देखिए ये काफ़ी मोटी स्वेटर है और साथ में जो ये वॉर्म टी शर्ट है ना ये भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये फट गई है तो इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ आइडिया निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों बच्चे ना कुशन लगाते हैं, पिलो लगाते हैं, लेकिन क्या होता है ना जो इनके कवर होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं, यानी सर्दी की वजह से इनको लगाने का मन नहीं करता है। तो अगर आप भी इनका यूज़ करते हो ना, तकिया वगैरह लगाते हो, लेकिन ठंड की वजह से आपको ये लगता है कि बहुत सर्दी है, तो बस आप ये छोटा सा काम ज़रूर कीजिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से वॉर्म टी शर्ट या स्वेटर लेनी है और इस तरीके से अंदर इसके डाल देनी है और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा है ना पिलो कवर बन जाएगा इसका, ताकि है ना हम इस पर सोएंगे तो हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा और बच्चे भी बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, साथ में सर्दी भी इसमें नहीं लगेगी। तो बस आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से करना है, तो आप इसमें सिलाई कर दीजिए, इसकी बाजू को जो स्लीव्स है इनको कट कर दीजिए, या फिर देखिए स्लीव्स को आप पीछे की साइड भी इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पर शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बढ़िया सा जो है कुशन तैयार हो गया है, जो कि सर्दी से बचने का बहुत ही बढ़िया उपाय है। इस तरीके से देखिए आप है ना इसकी स्लीव्स को अंदर भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको स्लीव्स नहीं निकालनी है ना तो आप इसकी स्लीव्स को अंदर कर लीजिए, अंदर अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद में ये आपका फटाफट से है ना जो पिलो का
इसका पिलो कवर बन जाएगा, तकिए पर भी आप इसको यूज़ कीजिए या कुशन पे यूज़ कीजिए, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके के कवर का यूज़ करके, और बहुत ही वार्म होता है ताकि नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी और साथ में सर्दी भी नहीं लगेगी। तो ये मेरा बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है, शायद आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके के पुराने स्वेटर है, टी शर्ट्स है, उनका आप यूज़ ज़रूर कीजिए, सिलाई से अच्छे से इसको कवर कर लीजिए ताकि ये बहुत ही बढ़िया से परफेक्ट शेप में आ जाए। और या फिर आप इस तरीके की, अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो आप इस तरीके के पुराने स्वेटर है ना जो ब्लैक कलर का ये रखा हुआ है, इसको भी आप यूज़ में ऐसे ही ले सकते हो। तो आपके पास भी अगर इस तरीके के पुराने फटे पुराने स्वेटर पड़े हो ना, तो ये आइडिया अपने घर में ज़रूर लगाइएगा और अपने सर्दी से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।